राम राम सर। आज आप हाँ बनाई माँ चामुंडा धाम, और माँ चामुंडा धाम जो भादरा क्षेत्र को एक बहुत चमत्कारिक धाम है, और उरे जो है भक्तों की जितनी श्रद्धा जुड़ रही है शायद ही आसपास के क्षेत्र कठी कौन जुड़ रही। मैं थाने पहले भी दिखायो, पहले भी लाइव आया और थाने उरे भक्तों मिलवायो कि उरे भक्तों का कितना संकट कटे है, और जो भगत आपके मुंह जो संकट बतावे वे वास्तविक होवे, क्योंकि कई बार कह दे है कि खुद का कहड़ा हुआ या अंधविश्वास या पाखंड कईया का सवाल जवाब भी आवे, तो ऐ जो भक्तों की श्रद्धा है वन आप कभी अंधविश्वास या पाखंड कौन कह इसका, क्यों? क्योंकि जो भक्तों की श्रद्धा है वह बड़ी, और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ हुए, और जिन जगह का संकट जो कटे है वो ही जाने और वो ही बता सके। कुछ लोग कुछ भाई घरे बैठा कह दिया करे कि राजेंद्र जी थे अंधविश्वास ने बढ़ावा ना दो, तो मारो कतई मतलब 1% भी ईशो कोई उद्देश्य को नहीं कि अंधविश्वास ने बढ़ावा दिया। लेकिन उरे जो सुबह का 20,000+ जो भगत आया है और गया है, और जो अपनी श्रद्धा रखे है, माता बहना आई है, सुबह अपने भंडारे में सुविधा दे रखी है, सुबह से जो भंडारों चल रहे हैं, आज देख सको थे भव्य दरबार के अंदर जो है इतनो बढ़िया जो है माँ को जो आशीर्वाद बन रहे हैं, तो ऐ चीज़ को आज थाने जो स्पष्टीकरण है वो देवांगा और बतावांगा मिलावांगा जो उरे जो भगत जी है वांगी श्रद्धा क्यूकर जुड़ी बने के चमत्कार हो बने माता को जो आशीर्वाद कठों मिले और वांगो जीवन के अंदर जो बदलाव आयो वो कठस यूँ आयो थे जुड़ा रहो गए मैं बतावांगा। और एक चीज है बड़ी, वह है श्रद्धा। अगर आप विश्वास करोगा तो भगवान भी है, और विश्वास नहीं करोगा तो कुछ को नहीं। तो विश्वास बड़ी चीज है। आज अपने सागे उरे माँ चामुंडा धाम जो बनाई बस स्टैंड थोड़ा सो हटके 2 किलोमीटर खेतों की साइड है और बहुत बड़े प्रांगण में है, और उरे की जो श्रद्धा है वह देखते ही देखा ही बने। उरे की जो माता बहन आई है मैं वह बात भी करवाई, पीछे भी करवाई, आज भी मैं करवा सकूँ थाने, तो ऐ चीज को विश्वास थाने जमाई रखना पड़ेगा। आज अपने सागे भगत जी है वह मैं तेरी बात करवाऊँ और वहाँ पूछांगा थारा भी अगर कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो या कोई भी थारो संशय हो तो आज से कमेंट बॉक्स में पूछ सको, थारा हर सवाल हर जवाब लिया जाएगा। भगत जी अपने सागे भगत जी राम राम। राम राम जी। भगत जी आज को जो कार्यक्रम है वो की है? आज को जी जागरण हुआ है, मैया काली को जागृत हुआ है, माँ काली का जागरण है, और भंडारा जो है शायद सुबह से चल रहा है। सुभे से भंडारो चलने लग रही है, और रातनी भी अब 8, 9, 10, 11 बजे तक जितना भी कोई जिमना रहा खाना रहा है अपने बेजिम्स का है। भगत जी सुबह उम्र कितना भगत आ लिया? करीबन ये मान के चलो भाई 10-12 हज़ार सुबह वो आ लिया होगा। आ लिया और चला गया, क्यों दूर दराजों भी आवे? हाँ करीबन ये आइडियो लग गया, मतलब 20,000 ऊपर समथिंग निकल जाएगा। आज इसो के दिन है भगत जी जिसे जागरण चुनियो? जागरण तो हर छठे महीने लगाता ही रहा, बिया छोटा जागरण तो मंथली लगता ही रहे। अच्छा। और बिया छठे महीने जागरण बड़ो जगरा तो लगा मैया जीता श्रद्धालु जिगा भगत बनावे बाकी एक श्रद्धा जरूरी है मैया, और जिया ही जगरा तो लगे तो लोगों को संकट कटे जागरण, तो जिको पीसो अपने कने जिया कोई 10 चढ़ा जाए 20 चढ़ा जाए मैं मना करा, मना करने के बाद के महीने भी लोग धक्कू चढ़ावे तो वह पीसा ना काम में के लिए या तो मंदिर पर लगा दिया फिर भी मार्ग बचत में रह जाए तो वो पीसो में जागरण के अंदर बाकी श्रद्धा के साबू बाने भंडारो लगा के बनवा दिया। भगत जी उरे माता बहन आ रही है, बहुत सेवा करनी आ रहा है, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बुढ़ा भी आ रहे हैं, तो अपने एरिया का दूर दराज भी आ रहे हैं? अपने राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, और दिल्ली भी है, इन कई स्टेटों आने लग रहे हैं, और जितना भी आने लग रहे हैं बाकी मैया हाथों हाथ सुन लग रही है, यानी ये बात को मैं भी कौन कह सकूँ, क्योंकि न तो मन तंत्र आवे कोई न यंत्र आवे न मंत्र आवे, और मैं भी WME हूँ इंग्लिश फिलोसफी हूँ, तो अंधविश्वास जकी चीज़ माना आप बन चीज़ों तो मैं नकार दूँ पहली, तो जकी चीज़ जो भी बांगे डॉक्टर की दिक्कत है तो बन पहली बता दियो जाए कि भी थे जाओ दवाई ले लियो, अगर बैंक अदरवाइज कोई संकट है तो मतलब 5 मिनट के अंदर अगर जो कोई भूत को प्रेत को कोई संकट है अगर है तो 10 पाउंडा दूर बैठी रहो, मैया तो हाथ काटती या कोनी थे 2 दिनों में कट्टे को 4 दिनों 5 दिनों वो सिस्टम कोनी, और मैया कुछ पर्चा तो जिया कम से कम 40% हिस्सा बता सकूँ जिका डॉक्टर मना कर दिया कह भाई औलाद हुई कौन सका 10-12 साल हो गया 4 साल हो गया, लेकिन मैया बाने सिर्फ आंता ही एक ही वरदान दियो कि आ तांतीर आ भभूति ले जा बेटा 13-9 महीने लड़को या लड़की हो जैसी बैंक 9 महीने जिया और लग रहे और कई तो 6 महीने कई 4 महीने 5 महीने यानी पेट मन रहे हैं तो या तो मैं भी अभी पूछी एक छन्नी हूँ भगत जी एडा बांगे कोई आस की उम्मीद को नहीं रहा उम्मीद बनी है। हाँ एक नहीं 54 पर्चा मैया का आज तक ओडा है बैंक अंदर 40 सक्सेस हो गया जिका 14 पर्चा पेंडिंग है बैंक अंदर 3-4 पर्चा ऐसे है जिकी डॉक्टर की दिक्कत है बांगे भाई डॉक्टर दूर कर सी बांगे दवाई पानी शरीर की कमी है शारीरिक कमी है तो बाने या तो ज़्यादा विश्वास या डॉक्टर की जिकी राय है बा लेनी पड़ेगी
भगत जी मैं बात पूछना चाहूंगा, आज की श्रद्धा है थारे में कद्दू है क्यूकर बनी या माता थाने कोई चमत्कार दिखायो या माता परचो दियो या माता थारो के साथ दियो जो थे भक्ति भाव ने चुने और कितनो टाइम हो गया था? देखो जी लगभग 12 साल तक अपने घरे जोत जगाई में मैया काली की, और मैया काली को इष्ट मैंने सदा हुआ है लेकिन मैं ओपन में कौन ले कदे भी 12 साल के अंदर मैं कहनी पता कौन लगन दियो क्या मेरे अखंड जोत जगह मैं पहले और काम करने लग गयो या नौकरी में या मतलब टीचर लाइन के अंदर या फिर हनुमानगढ़ जिले के अंदर DM लाइन में ऐ चीज़ा करी, लेकिन मैया को आशीर्वाद हर टाइम ही रहो और लास्ट के अंदर मैया एकदम खींच के लिए कह धाम की स्थापना करनी पड़ेगी। तो 24 घंटा तक तो मैया की मतलब जोत है वो पानी में जलेड़ी है, क्योंकि एक दिन ये कंडीशन आ गई। सच्ची बात तो ये है कि बीन दिन मतलब आज हमारे 100 बीघा जमीन है, घर है, परिवार है, सारी चीज़ है, लेकिन मैया कोई परीक्षा ही लेती होगी, मना कर दियो सारा, कभी तेल तू 1.5 क्विंटल साल को लिया है तो अखटों के सिस्टम मतलब लंबी चौड़ी कहानी होगी। तो मैं दुकाना पर भी गए, दुकाना रहे सारा मना कर दियो बाणिया और 80 रुपये की बोतल तेल ही कौन दी, मैं कोई मैया मेरे कहना तेल ही कौन, मैं भी ने मैया ले आगे पानी चसा दी। 24 घंटा तक मैया जोत पानी में चसी, 20 दिन मैंने विश्वास हो गया मैं ठीक बैठ गया। मैया की जो जोत है वह तेल की बजाय पानी में जगी है या हकीकत है? हकीकत है, 24 घंटा तक पानी में ही जगी है या हकीकत है? या भी कौन बैंक अंदर बत्ती के अंदर अगर जब तेल रह जाएगा तो वो 2 घंटा 4 घंटा चल सके। भगत जी पानी तो अगर थोड़ा मिक्स भी हो जाए तो पूजा पाठ सारा ही करा जी। और बत्ती कौन लगे, जोत कौन लगे, और थाने मैया इतना ज्यादा चमत्कार दियो कि पानी के अंदर जोत लगी है। अब मैया की एक बात और बताऊं, सारो संसार सारा जिका भी जो भी है सारा साथ छोड़ दे जाइए साथ दिए, यानी कहना मतलब आज मेरा सारा सग है लेकिन कुछ टाइम है इतनो दुनियादारी को जो टाइम हो बैन टाइम के अंदर सब साथ छोड़ चुका है, लेकिन यह जी हम बच्चे का सग है माँ को के प्रेम हुआ वो प्रेम मेरे आज तक रहे है, हर चीज़ को मैंने साक्षात्कार रहे है मैया को कई चीज़ के अंदर ले लो चाहे, और चमत्कार कितना का बताऊँ थाने हद्दू ज़्यादा चमत्कार मैंने दिया है मैया, और अब तो सारा भक्ता ने देने ला रहे है और आज जगत जननी है शायद इसी को नहीं हुआ। भगत जी थे बताया थारो एक टाइम हो जो संकट में है और परिस्थिति विपरीत ही थारो कणी साथ कौन दियो मैया साथ दियो जी। और वो दिन है आज को दिन है, आज थारे पीछे 10-20-50 हज़ार की भीड़ है और श्रद्धा और जुड़ रही है। तो भगत जी एक चीज़ और भी हुआ है कि जहाँ शुरू में आप भक्ति भाव में लागा तो घर का भी थोड़ा सो संशय रखे कि भाई वो के काम है, तो इसी थारे साथ भी परिस्थिति होगी जी। हाँ अपने जाट समाज के अंदर एक समस्या हुआ है, कभी थे जाट हो थे भक्ति भाव क्या करेगा और क्या करा, लेकिन मैया को जो आशीर्वाद हो मैंने कोई भी कौन रोक सका है, तो कोई जरूरी कौन है जी खून ने तो सारा के अंदर चाहे SC कास्ट हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है सब के अंदर ही खून एक ही है बोर लाल ही कलर को है, तो आप भक्ति क्यों कौन कर सका। और मैया की असीम अपार अनुकंपा रही है, देखो आज मौसम की भी देख लेते हर बार नहीं हमेशा ही छोटा छोटा चमत्कार है नहीं जी का मतलब सामने दिखे स्पष्ट, मतलब आज को जो मौसम सारे दिन को गुनगुनो है वो मैया को एक आशीर्वाद है, ये एक आशीर्वाद है ये हकीकत है। भगत जी को कहना है कि एक चमत्कार वो हो जो तेल के अंदर जोत जली और दूसरा चमत्कार आज सारे दिन को मौसम है, और मैं भी आज सुबह हूँ महसूस कर रहा है कि आज इसको के दिन है कि आज तपती व कम है। दूसरी बात भगत जी आप गाँव हो लोकल बनाई गाँव हो तो गांव में भी ऐसी अपवाद हो गए जगह मतलब जो है चीज़ ने गलत बतावे या थर हौसलो तोड़ने की कोशिश करी सो भी थर सक हो कोई। देखो जी ये बात तो होती रहे लेकिन मेरे सामने कौन हुआ, पीछू तो कह सके कोई पर मेरे गांव के अंदर शायद मेरे हिसाब में कोई कौन कवे कहीं कौन कवे कह, एक तो मैं पाखंड हुआ नहीं दूर हूँ, एक दूसरी चीज़ ये है कि जिका भगत है मतलब जितना भी है मैं सारा भगत हूँ एक अलग हूँ, न मैं कोई ड्रेस को पहना करूँ आज धक्कों रेड कलर अपराधी हो, बाकी मैं मेरा सिंपल कपड़ा मरूँ न कोई माला गालू न कोई बाल बदाऊँ न मैंने वो बता सके कोई भगत है, मैं मेरी मैया ने बैंक अदरवाइज कहीं सुनू ही कौन मैं कभी गो मैं मेरे खातर के कह मैं कहीं खातर को इतनी हदू ज़्यादा है कि मैं जै गाँव में जाऊँ भी गाँव के अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है मेरे उन लोगों ने, यानी मैं एक बार कहीं गाँव में जाऊँगा मैया को बैंक संकट काटेड़ है तो कई गाँव के अंदर तो जाऊँ जाए बाद का मैंने यानी मतलब टैंकरों पानी है नहीं वो लगाई बाहर रास्ता पर कभी आज भगत जी आवे मतलब ऐ तरीके को, और बाकी बहुत ही मान सम्मान दे लोग मतलब मान सम्मान को कारण भगत जी ही है कि थे मैया का पुजारी हो एक माध्यम हो और मैया थारे माध्यम हो बांगा संकट है वे दूर करे। तो भगत जी एक इसी पूजा को के मतलब तरीको रहे थारो जे थे भगत ने मतलब खींच के ले आओ या भगत ने थे उरे धाम तक ले आओ या कई संकट और भी है जब भगत आना भी कौन चार भी आ जाए तो इसको के चमत्कार रहे भगत जी। वो एक मैया को आशीर्वाद है मेरे अंदर कुछ भी को नहीं, मेरे अंदर एक चीज़ है
अगर मैं एक ही बात कहूँ कैठे चढ़ाओ चढ़ाने की जरूरत को नहीं, कभी रिपिया चढ़ाया अगर देवता खुश हुआ तो करोड़पति लोग खरीद ले जा, अठे कोई जरूरत को नहीं। अगर प्रसाद लियाओ दो दाना मैया का चढ़ा दियो, बाकी थारा बच्चा ना बांटो। रिपिया चढ़ाया कोई मतलब कौन, लेकिन घर में सुख हो गयो, शांति होगी, कोई कमी नहीं रही, अंधन का सारा मनोकामना पूर्ण होगी, तो आपने मंदिर को काम चाले, चाहे एक लगा के जाओ इच्छा हो चाहे करोड़ लगा के जाओ। दूसरी बात यार, मेरे पर ज़्यादा विश्वास कर लेगा तो मैं कदे भी ठग सकूँ, आदमी को दिमाग कभी बदल सके, लेकिन आज जगदम्बा है एंगो दिमाग कौन बदला, तो विश्वास मैया पर रखो न कि मेरे ऊपर। थारो कहने को मतलब है मैया को दरबार है वो बनन लाग रही अधूरू है, अगर कोई भगत की इच्छा है तो इच्छा वो पूरे लगा सके, लाख लगाओ दो लाख करोड़ कितना भी लगाओ, लेकिन थे माने कभी मांगे कौन ले लगाओ। मैं सिर्फ एक चीज मांगे लियो, एक सुको नारियल, एक 10 रुपया की चुनड़िया, अरे 11 रुपया 21 की कौन कौन लियो, भाई एक कर चढ़ाना पड़े पहली पोत मंदिर पर मां मैया की अरदास है, भी बाद में जीवन भर आपकी मर्जियों चढ़ावे तो ठीक है, नहीं कोई चढ़ाने की जरूरत को नहीं। ये एक बार भगत ने और बुलाओ जब मैंने आज चीज कहो कि सुको नारियल 11 रुपया और एक चुनरी जी, सुको नारियल और पानी वाला नारियल, पानी को नारियल नहीं सुको ही नारियल। अच्छा, अगर कोई भगत पुराना चाहे तो सुको नारियल ले गया वो बजन और अच्छा चुनरी और 11 रुपया बिंगे बाद में कोई लेने की जरूरत ना जी को नहीं। तो भगत जी इसको कोई एक चमत्कार थारे जीवन को माने बताना मारो साझो करना चाहूंगा जो थाने मतलब पूरा समर्पित कर दियो रे, माता के दरबार में थे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ गए माता ने समर्पित रहो। मैं कभी आज तक दूसरे के स्कूल के अंदर पढ़ाने कौन गयो, तो मेरे कन कोई पोस्ट खातर लेक्चरर को कोई ऑफर आयो मैं मना कर दियो, मैं जबरदस्ती कर ली क्या 10वीं 12वीं बोर्ड का पेपर है 15 दिन आना पढ़ाऊ, मैं कोई कोने सकूँ, मैं जबरदस्ती मन ले गया तो मैं स्कूल के अंदर जाऊँ नहीं, जब आंखों के अंदर एकदम रेड कलर आ जा, यहाँ लगा जान स्क्रेच हो गया खून पड़े वो, मैं बारह लिखड़ू ठीक हो जा, आ कंडीशन मेरे कन करीबन 10 दिन रही, तो वह बाद में मन मना करने लग गया, वह मैंने धक्कों बादरा ले गया बोल दिखाऊँ जी, डॉक्टर देख के बोले स्क्रेच हो गयो दवाई दे दियो, बामन दवाई दे दी, मैं दवाई जिया कर लूँ जो और ज़्यादा हुआ, मैं दवाई बंद करके मैं कोई मैया जी की बात है बता, तो मैया मैंने जो भी हुआ चाहे मैंने सीधम सीधा बतावा या सपने का माध्यम बतावा या कोई भी चीज़ा बताए मैंने आप बताई कि तू वो काम कर, मैं मैया की भाई जो तो बैठूँ ट्रांसफ़र कर दी हटे जो जगह मैया बताई धरती के अंदर गुफा में, जी टाइम ट्रांसफ़र करी बहन दी ने मेरी आँखें हाथों हाथ ठीक होगी, मैं बात के अंदर सब कुछ छोड़ दियो, मैं कहूँ मैया जाने और मैया को काम अपनों जीवन, और बहुत स्वतंत्रता ऋषि है जिसका जीवन दान ही मैया को दे रहा है, थाने जीवन दान मैया को दे रहा है इसी कोई घटना जी हाँ। एक तो नवरात्रा के अंदर सांप हो, मैं सांप को ऊपर चढ़ गयो तो 20 दिन मतलब वो सांप भी बेहोश हो गयो और आधा घंटा बाद में सांप ने होश आयो तो 20 दिन एक। दूसरे नंबर नवरात्रा के अंदर एक सांप डसन आने लग रहे हो मेरे सुत्यो, एकदम मैया जगायो मैं पीछे पैर खस लियो, इन दोनों जीवनदान मैया गए। देखो के दो घटना बताइयो सांप की डसन और सांप मैया जगायो, तो इसको क्या एहसास हुए थाने के थाने बेरो पट्यो के मैया थाने जगायो, मैया दर्शन देवे या मैया कोई कहेंगे माध्यम थाने भेजे या के इसको के चमत्कार हुए थाने बेरो पट्टे मैया थरकन आई बिंगो यू है कि अब तो अनुभव होने लग गया मन, पहली तो मन पता ही कौन लग तो पहली तो यहाँ जी हाथ लगा देता आगे भाई मैया लगा हाथ लगा दियो अठू खींच दियो या पैर खींच दियो आंगली खींच दी वो सिस्टम हो। पर एक बात बताना चाहूँगा कि जिका लोग यहाँ कह नहीं कह भविष्य को पतो लगे या भूतकाल को पतो लगे, न भविष्य को पतो लगे न भूतकाल को पतो लगे, एक चीज को पतो लगे वाह है कि आगलो जब भी सामना हुआ जब मैया बेंगी अरदास देखते हैं या बताओ कि वो संकट में काटती हूँ सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर आज चीज़ भविष्य भूत अरे बतावे तो बड़ा बड़ा संत हो सके बार बतानती हुए, लेकिन वो एहसास हुआ मैंने अब एन टाइम का मतलब एनी टाइम के अंदर जिकी मैया है वह मेरे सागे रहे यानी मेरे साथ चले और दर्शनारी ए जी की बातें हैं ए चीज़ा देखो ओपन कौन कर सका के कुछ मैया और मेरी के कुछ रहे ठीक मतलब मैया और थारो एक माँ बेटा को सो प्रेम है, मैया थारो साथ दे थाने जगजोरे भी है थाने बतावे भी है। तो भगत जी एक बात और पूछना चाहूँगा मैं सुनी है उरे भक्ता कनू का जिया ही थे मैया की भक्ति करने बैठो तो थे मतलब कड़ू कोई भगत आड़ो हुए बिंग थाने जानकारी को नहीं हुए और थे भी ने बुलाओ ए चीज़ के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा इसको के मतलब वो चीज़ है। जी हाँ मैं चौकी पर बैठूँ तो मेरे के अंदर मतलब मैया की एक अपार शक्ति यानी जी हाँ मान लो आप कह दिया मैया प्रवेश करे, मैया का मैं प्रवेश कौन करे, मैया की शक्ति प्रवेश करे और मैया की शक्ति पहली पोत मेरा आँखें में बढ़े आँखें के अंदर जी प्रवेश होगी नहीं तो भाई आँख मैं चाहूँगा वह काम कौन करे, मैया चाहोगी वह काम करेगी, जीभ मेरी मैया बुलाओगी नहीं मैया की शक्ति वह काम करेगी, जीभ भारी हो जाएगी
शरीर को मन शुद्ध बुद्ध है नी बाको अंदर वे और जब मैया परचा दे के जासी नी आपकी शक्ति हूँ जब मन कहेंगे बारे में कोई पता को नहीं है सिर्फ वह ही मैया बताई जाएगी कि फलानो भगत आएडो है ई संकट का त्राइडो है इतना दिन पहले यो काम कर गए है यानी भाई पूरी डिटेल बैंक हिस्ट्री सात जन्म ही बहन की पूछ लियो मैया अगर माचिस है बैंक अंदर अगर जो ग्यारह तिल्ला कर लिया तो मैया बताओ बेटा चार ग्यारह तिल्ला माचिस मुँह ले तू नै की बार है या मैया की कोई असीम अनुकंपा है मन भी तो कौन पता लगे मतलब अगर माचिस के अंदर भी ग्यारह तिल्ला है तो मैया तुम बता देगी भी ग्यारह तिल्ला माचिस मुँह निकाले हाँ जी जी तो मतलब भगत जी कई बात और है अब थे पूजा पाठ करो थारी श्रद्धा है तो श्रद्धा के दौरान कोई मरीज इसो आवे जो डॉक्टर की दवाई भी लेवे और डॉक्टर को इलाज भी चले थे बने डॉक्टरी इलाज मना करके कहो या कहो कि भाई भगत जी को भी आशीर्वाद रखो माता को आशीर्वाद भी रखो डॉक्टर की दवाई भी ले लो हाँ मैंने पहली यह बात कहूँ अगर थारी डॉक्टर की दवाई चल ना रही है बात दवाई थे कंप्लीट लियो नए की बीच के अंदर अगर सीरियस कंडीशन है तो पहले डॉक्टर की राय लियो अगर भर्ती करवाना है तो बन भर्ती कराओ साथ के अंदर अगर मैया पर विश्वास रखो पहले डॉक्टर को जो काम है वो डॉक्टर को रखो या दूसरा ऑप्शन ये है कि जन डॉक्टर सारा ने जवाब दे दियो है कि भाई मारे बस की बात कोनी अरे इबते खटी लेगी जाओ तो बेने मैया कर लियो ताकि मैया बहुत चमत्कार हुआ जी हाँ आंधा भी आवे बाने भी मैया आँख दिए जी हाँ सुने कोनी बाने भी मैया कान दिए जी हाँ चालन आ रहा बच्चा जिका चालन कौन ला रहा बहुत सी बच्चा ऐसा है जिका चलाया भी है मतलब बड़ा बड़ा चमत्कार मैया दिखाया है जिका मैं भी खुद भी मैं अचंभित हूँ क्या चमत्कार किया होने लग रहे पर मैया जगदम्बा का जो चमत्कार है वह मेरी समझ उबार है भगत जी थारो कहना है कि डॉक्टर आपकी जगह है बांगो जी इलाज लेना चाहिए और मैया आपकी जगह है आंगो आशीर्वाद भी लेना चाहिए हाँ जी बिल्कुल दूसरी बात आए जी कई बार आप भूत प्रेत आ रहा जी खातर चले जावा तो कई भगत जी मैं भी देखे हूँ क्या कोई बाल पकड़ लिया कोई लेडीज का हाथ लगा दिया या कोई मतलब जी कोई आदमी है तो बैंक बूकियों पकड़ लिया आंगली पकड़ लिया तो इसी कोई क्यों को नहीं हुआ भूत प्रेत हो है बांगो साय हो है लेकिन अगर वो है अगर वो सच्ची बैंक सरदार भगत है तो जिको भी साधक आयो है या जो भी भगत आयो है तो वो जी अपने सामने हसी बहु दस पाउंडा दूर बैठे वो तो अगर बैंक अंदर शक्ति है मैया की तो मैया बहन खींच के दस पाउंडा ऑटोमेटिक बैंक अंदर उसकी चीज़ बहन बाहर लिया होगी पाँच मिनट वो ठीक होना चाहिए जब तो सत्य है अगर हाथ गाल लिए तो वो सत्य को नहीं मतलब वह जगह थोड़ा अलग तरीके का कैस का आप भाई टोटका करे या कुछ और करे वह चीज जुड़े को नहीं अपने कर को नहीं एक सिंपल सी बात है एक तंती दोनों की बभूति और काली माता को नाम विश्वास श्रद्धा यही काम करेगी एंग अदरवाइज अगर कोई पाखंड है या कोई जगी चीज़ा ने मतलब अदरवाइज कई चीज़ा ऐसी है जो कि मेरे सामने आने लग रही है वह चीज़ा ने मैं कौन मानूँ और डेली मेरी एक दो भक्त हूँ डिस्कस भी हुआ जी हाँ कहीं यहाँ कह मैया पुजवा लेगी इसको कोई सिस्टम को नहीं अगर यहाँ पुजवा लेगी तो ऋषि मुनि तपस्या क्यों करता सिर्फ मैया को खा लिया तपस्या करना चाह जी हाँ कई कंडीशन और भी मेरे सामने आने लग रही है कि मैया के बकरो चढ़े है कई का दारू चढ़े है मैं तो मैया ने घड़ी दारू पीढ़ी कौन देखी मैं भैया बकरो खाने कौन देखियो राक्षसों से हार करियो बैंक पीछे बहुत बड़ो इतिहास है वो विद्वान जी का लोग है वह भी बतावे शास्त्र भी बतावे तो आ चीज़ा ने मैं नकारूँ भगत जी थे एक बात कही हो बीच में वह मैं भी सुनी हूँ जी कि माँ काली है आगे जो भक्ति है वह निरंतर करनी पड़े रंगो जो प्रसाद खा ले तो बिने मैया दुखवावे या कष्ट देवे भाई मैया ने रेगुलर धोखनी पड़े है मैया की रेगुलर पूजा करनी पड़े है बींग डर हूँ भी कई भगत दूर रहे ओके सच्चाई है या मतलब है मैं मैया कहनी कौन दुखा है अगर कहेंगी असी यानी माँ अपनी घर की माँ कहें बच्चा ने ललकार सका थप्पड़ मार सका लेकिन मैंने कष्ट कौन दे सका है अगर कोई भूलो चुके हुए नाराज तो दिखा सका बाकी दुकावे कोनिया कट्ठे भी चले जाओ एक बार धोख मारो पचास बार मारो टाल कर दो चढ़ाओ या ना चढ़ाओ भी कोई संबंध को नहीं ऐ सिर्फ भोला भाला मेर जी है भगत है नहीं मैं जान बूझ के ऐ चीज़ ने बढ़ाओ देने ला रहे ऐसा कुछ को नहीं मतलब ऐ चीज़ा है ऐ भी एक अलग इशू है वह लोग एक अलग बढ़ाओ देवे या पाखंड कैस का अंधविश्वास अंधविश्वास की जो कमी है वह वांग कारण हुई जनता ने कहनी पड़ रही है भगत जी मैं पर्सनली दो चार सवाल मेरे सामने आया मैं पिछलो इंटरव्यू करके गए हो मेरे दौरान कई एक कहना हो एक भाई को कह राजेंद्र जी थे अंधविश्वास बढ़ाओ पाखंड बढ़वाओ तो आप बात तो अपनी क्लियर होगी कि थे डॉक्टर ने मना कौन करो या डॉक्टर की राय कदी थे नकारो कौन तो कोई अंधविश्वास की बात को नहीं दूसरी एक बात एक मेरे साथी कही कि अगर मैया आंख नूरा आ रही है तो मैया का तो हजारों धाम है लाखों धाम है तो मैया के एक शक है मतलब लाखों धामा पर रहे देखो जी वो शक्ति को भंडार है बैंगन शक्ति है नए की बात खुद चाल गया बिने तो एक हाथ करना है शक्ति जिसी मैं भक्ति करूँगा बीती शक्ति मन भेज दे सी मेरा जिसा भाव है बीती शक्ति मन है और संसार के अंदर एक बात और बताऊँ आज की ऊर्जा जिका अपना सांस लेने लग रहा आ सारी की चीज़ है या मैया ही तो है
तो एंग अंदर मतलब एंग आ थोड़ी एक बाठा चले जाएगी, बा कोई देवी देवता मानना बात थोड़ी है, बात तो एक संसार की रचना करना आ रही है। तो बिंग अंदर तो कोई सिस्टम ही को नहीं उसका है, वो तो एक मतलब जी अज्ञानता की मतलब मान लियो, या ज्ञान की कमी मान लियो, या फिर बान पूर्ण नॉलेज नहीं होने की वजह मान लियो, ऐसा शब्द कह दिया ऐ हुआ है। लेकिन अगर पूर्ण ज्ञान लेना है तो ऐ शनिवार या मंगलवार ने अपनी चौकी लगाए, बिंग अदरवाइज मेरे को बैठ जाएगा ऐ चीजा का, मैं जिकी चीज है मैं स्पष्ट शास्त्र में लिखी मैं बता दूंगा। मतलब जी भगत गए या जी साथी के कोई दिक्कत हुए तो वो मतलब थरकना आगे कई टाइम डिस्कस कर सके और जो दिक्कत है वह दूर कर सके। जी बिल्कुल, शनिवार मंगलवार की चौकी लगा, पर अगर जाएंगे जी हाँ मान लियो है बढ़ावा दे चीज़ ने, मेरे एक ही उद्देश्य है ये माँ है असत्य है पाखंड है जिसका झूठ है बेने मैं कौन मानूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भगत जी थे हमारे साथ, बलवंत जी नाम है इनका, और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, जय माता दी। और भगत जी का कहना है कि अगर आपके कोई संशय है कोई दिक्कत है तो आप यहाँ आ सकते हो और अपना संशय है वो दूर कर सकते हो, आपकी दिक्कत है वो दूर कर सकते हो। इस दौरान यहाँ माताएं बैठी है, हम आपसे बात करवा सकते हैं, फिर वही बात आती है, कुछ भगत हैं यहाँ बैठे हैं मैं उनसे भी बात करवा सकता हूँ आपको, माताएँ भी बैठी है वहाँ भी बात करवाऊँगा, तो इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। कौन सो गा? अजीत सर। अजीत सर उन्होंने दिक्कत है कोई? हां क्या दिक्कत है? मैं एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो पूरे मतलब कितने टाइम आने लग रहे हो? मैं पांचवी फेरी आ। पांचवी फेरी आराम है कि? आराम है। एक्सीडेंट कठा हो उधर मारला सर। और बिंग बाद डॉक्टर के हो? डॉक्टर कयो ठीक है कि कुछ ना? डॉक्टर की दवाई भी चल रही है किधर है? ना दवाई बंद हो गई। अच्छा दवाई बंद हो गई। अब जो रे पांच फेरी हम थाने फायदा मिले ना? फायदा मिले। अच्छा तरस आगे कौन आ रहे और? अच्छा भाई तरस आगे हम बात करा आगा भाई जी है वे सागे है भाई जी राम राम। हां जी तो भाई साहब के क्या दिक्कत है? ये मेरे साथ कौन है? अच्छा अच्छा अथे कट हुआ मैं पिलानी से हूं। पिलानी में क्या दिक्कत है तेरे? दिक्कत थोड़ी सी नॉर्मल दिक्कत जान नौकरी पैसे की दिक्कत थी। अच्छा नौकरी की दिक्कत थी? हां तो उरे रास्ता कौन दिखाया तने? उरे रास्ता अपना रिश्तेदार है बैल से। बैल? हां जी। अच्छा फिर कितना टाइम हो गया थाने उरे आंतन? मन होगा साहब 6 महीना का। 6 महीना हो गया? हां जी। तो कोई समस्या वाला हो होगी? समस्या वाला हो साहब। अच्छा अब थे कंटिन्यू आ रहे हो? हां कंटिन्यू आ रहे। सवेरे का रहे हो? हां सवेरे से। अच्छा आते पिलानी हो आए हो? पिलानी काफी दूर है। तो नौकरी को एक इशू है हर घर में, बेरोजगारी एक इशू है, तो माता तानी सो के चमत्कार दियो? पहले मैं जहाँ दिल्ली नौकरी करा करता हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर मैनेजर, तो उस कंपनी में क्या है जहाँ पेमेंट मतलब सैलरी रोक ली थी मेरी और कंपनी वाला मैंने घर भेज दिया तो उसके बाद में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हुई मतलब गाड़ी डगमगाई, तो उसके बाद मैंने बताया कि भाई मैं फिर दिल्ली जाके बातचीत करी सेठा से, उसके बाद बोला कि इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है मुझसे, मेरी जो सैलरी है जो मेरा पीएफ है वो मेरे को मिलना चाहिए रिफंड। फिर मैंने काम नौकरी करके पैसा कमाया, तो बोले ये आपका ये समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे को पीएफ अकाउंट के लिए भी मना कर दिया, केवाईसी के लिए भी मना कर दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ आया था, यहाँ आने के बाद में पहली बार आया था, उसके बाद में मेरे को 2% ऐसा लगा कि हाँ कुछ। अच्छा पहली बार आने पर मैं एहसास हो गया, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे क्या देखते हो? एक श्रद्धा है, एक उमंग है जो अपनी अपनी ओर खींचती है माता। पढ़ाई आपने अच्छी कर रखी है? हाँ जी। और माता में श्रद्धा भी अच्छी? माता। हाँ जी। आप आसपास के लोगों को भी देते हैं क्या? हाँ जी। यहाँ आने की? हाँ जी। और भी साथ आए हैं? साथ आए हैं ना। परिवार में आपके? परिवार में तो मैं अकेला आया हूँ, बाकी मौसी जी हैं अपने, मौसा जी हैं। अच्छा। और छोटे बच्चे आए, वो भी अपनी दिक्कत लेके आए? दिक्कत अपनी सारी मतलब पहले जो बैल रिश्तेदारी है ना, इन्होंने इलाज मतलब जो भी है माता की कृपा हुई है, तो आज मतलब ये है गाड़ी पटरी पे है, मतलब अच्छी तरह, आपका कहना अच्छी है, माता का जो आशीर्वाद है वो आपके परिवार पे पूरे पे बना हुआ है। हाँ जी। तो भाई साहब पिलानी मारे है रंग कहना है कि अंग समस्या गंभीर ही नौकरी वाली, तो अंग जो दिल्ली पहले काम करया करता तो अंग दिक्कत ही, और वह दिक्कत जो है एक बार की फेरी लगाता ही भैया ने एहसास हो गया होगा थारी दिक्कत वह मिटेगी। उरे अपने सगे कुछ माताएं बैठी है वो मैं थारी बात करवा सकूँ हूँ और पूछांगा बने के अंग दिक्कत की रही है। माता जी राम राम। राम राम। कौन सो काम है अपना? मारो बेटा राजस्थान पड़े। कौन सो है बताइयो? आप रतनगढ़ जिला। रतनगढ़ और ऊपर बढ़ऊ भी 5-6 किलोमीटर आगे है। नाम को नाम तो बता दे। पैसनौ। अच्छा अच्छा कितो टाइम हो था नंतन रे? काफी साल हो रिया टावर मारा छोटो था। अच्छा उरे जद गाण लाग रे? जद कई के दिक्कत ही था जी थारे? दिक्कत खैर जो है हुआ है जो का, तो अब दुआई पानी लेवा तो थोड़ा आराम हो जावे,
नहीं जना फिर दुआई पानी बंद हो जावे जना रोगी फिर ऐसा की सही रहो वहाँ माता में श्रद्धा है तारी। हाँ माता नाम हमारा मतलब आओ थे उरे। मैं तो आज पहली बार आया लेकिन मेरे बेटे बहू आया करता। अच्छा अच्छा बेटा बहू उरे लगातार आया करता थे पहली बार आया। हाँ मैं पहली बार मतलब आया। थाने नहीं लग गया अभी उरे आए बाद में दाम मैं मतलब ठीक ठाक। हाँ मैं तो ठीक ठाक ठीक ठाक हो। हाँ 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 और भी है अपने सगे रतनगढ़ आया है मैं और भी थाने मिलवाऊंगो और भी थाने बात करवाऊंगो। राम राम जी। राम राम। कौन सो गांव है? अच्छा कद गाइड आओ। मैं तो कई बार आ गया। आज का काज कद गाइड आओ। आज का रात का दिन के गाइड आओ। दिन के गाइड आओ मतलब सेवा लाग रहे हो। हाँ सेवा लाग रहे। तो माता वहाँ से श्रद्धा कद की जुड़ रही है तारी श्रद्धा से 5-6 महीना ही हो गया। की दिक्कत इसी थारी जो माता चमत्कार दिखाया मुकेश का कोई छोरो ड्राइविंग तो छोरो मुकेश है रातन ड्रे करतो। हाँ ठीक है अब ठीक है। मुकेश सगाए है कि ना? मुकेश फेरी लगाना है थे लगाओ मुकेश नहीं लगाई। अच्छा कितनी फेरी लगा दी? 7 फेरी लगा दी। और ये लगातार आओ थे उरे? ना ये लगातार कोनी आई जागरण में आया। जागरण में आयो तो बीच में ऐसी कोई बाध्यता कोनी के तने उरे बुलावे में ना ना कोनी बुला सरदा और ताजा नहीं तो टाल कर दे। सरदा होवे थे आज यो नहीं तो टाल कर दियो लेकिन कोई बाध्यता कौन थारे? ना बाध्यता है ठीक है। ठीक है छोरो है वो अब ड्रे को नहीं है ना ड्रे को। तो भी वो ड्रगो और को कोई डॉक्टर कन भी इलाज कराए को? हां ये दवाई पानी दिलाई कोनी कोनी असर कोनी है ये ठीक है। अब ठीक है तो भगत जी उरे के चडवावे की कौन से डुआ है नारियल लेवे सुंदरी बस 11 रुपया और कोई डिमांड कौन करे? ना और की कौन करे कोई मतलब बड़ी कोई डिमांड ना कौन करे? तो मतलब आपकी श्रद्धा तो चढ़ावे? हाँ श्रद्धा चाहे की चढ़ाओ आप 5 चढ़ाओ 10 चढ़ाओ 11 चढ़ाओ आपकी श्रद्धा है बाकी और कोई दिक्कत ना? और कोई दिक्कत कोई आंगू कहना है कि आगे लड़के का दिक्कत थी रवा ठीक होगी एंगे अलावा भी और अपने सगे है मैं थाने बात करवा दूँ। राम राम जी। राम राम। कौन सो गांव है? बैल जी। बैल कितने टाइम हुआ रहा मेजी? 6 महीने। बैल प्रॉपर 12 महीना हुआ रहा क्या दिक्कत थी तरह? मेरे दौरा की जी। सर आपके? हाँ। और डॉक्टर डॉक्टर दिखायो? डॉक्टर भी दिखायो जी कोनी असर पड़े। कितने टाइम में रे दौरा की दिक्कत थी? दिक्कत होगी 25 साल। 25 साल है और कोई तब्बे को नहीं है डॉक्टर उरे था नेकन रास्तो दिखायो उरे जी मारी बेटी भी आई है भीमसाणे। भीमसाणे हाँ नजदीक हाँ ना बताई जब मुझे 6 महीना थे उरा रहे हो हाँ तो माता में विश्वास जम रहे जरूर ठीक हो दौरा को नहीं इतना को नहीं कम आवे आंगो कहना है कि आगे दौरा आया करता और 25 साल आया करता इब आवे तो है लेकिन कम आवे ऐसा भी भगत अपने घर बैठे है बैल वाइडा है और भी अपने घर भगत बैठे है मैं थाने बात करवा दूं और भी श्रद्धा उरे जुड़ रही है वंग बात करा दूं। जागरण की संध्या है जागरण को काम है ताई जी बैठे है आप ताई जी बात करेंगे बैठ के अरे ताई जी जागरण में आ रहा है ताई जी। राम राम। राम राम भाई कौन सो गांव है? मेरी कुंडली राम वो तो अरुणाचल से फिर 80 रहा। 80 रहो थे हाँ। पूरे कदू आने लग रहे हो? पूरे 2-3 महीने तो गए भाई। अच्छा कोई समस्या समाधान हो के? हाँ के समस्या है ताई जी? मारा भाई पोती गड़बड़ सी रहा कर दी। पोती गड़बड़ रहा करती? हाँ या जगह भोजन ग्रहण कर लिया माई रानी थी अपने पनवाड़ा आ क्यों ईवा पूछा करन लाग जी की माता जी की भोजन ग्रहण कर पूरे थाने कण रास्तो बताई उरान को भाई बंधु है छोटा बच्चा है मारा खारी डो पीतियो दोता दोता ही दूध दोता। अच्छा पा थाने बताई? हां हम फिर और कोथरी सकरात का लेके आ रहे थे और फिर रेडिया लाग रहा था जी तो सॉरी उठी ना हनुमान के गाय इतने तक बोली को नहीं और फिर माई के आए काली के इतनी जीव काट दिए का काली माई का भजन है हां। अच्छा अच्छा जी इतनी जीव काट दिए का पोती हां फिर इसने पूछा था मेरी बेटिया ने डाल मांगे बैठे भाई गुरु जी इन्हें नहीं होगा नहीं हो रहा तक दिया या फिर अच्छा आ दिक्कत थाने लगी मैया की दिक्कत है के आपकी अच्छा बोला मैया की दिक्कत समाई एक मेरा सतीगण जी का हां वो क्यों कर जा नहीं बोला भाई तो भाव एक निवेदन है इसका आपकी ड्यूटी पूछा करवाओ अच्छा पूछा करवाओ इलाज करवाओ हां डॉक्टर का रोग को नहीं जी हां तो डॉक्टर ने भी दिखाया के थे हैं? डॉक्टर ने भी दिखाया के थे ना कौन दिखाया उरे ही थाने संतुष्टि मिल गई इन्हें भी नहीं घमंड ला रहे बस सारा पोती साके है कि थाने जो जागे पोती साके है कि तो डिपेंड करे जल्दी ठीक है खुश है
हाँ अच्छा अभी मतलब इलाज पूरा मतलब ठीक हो रही है कि हाँ बहुत ही बड़े तो थे मतलब आए आए मंगलवार शनिवार आउट मंगलवार ना कुछ हाँ शनिवार ना शनिवार ना अच्छा परिवार ने सके लेके हाँ अच्छा जोड़ा भाई बलबीर जी तो थारो मतलब बाप आ रहा था सॉरी वो बाप सके आ रहा अर्थे सके आ रहा हाँ सारा अच्छा तो मतलब थारो मैया में जो है बढ़िया विश्वास जम रही है और भी थे क्या कहना चाहोगे आस पास से कोई सी दिक्कत आ रहा है तो सारा पंडाल में जो ना भाई हम तो मैया को पूरा पूरा सायो अच्छा अच्छा मैया पूरा पूरा सायो और वो थाने बाद में बेरो पटे और उरा गई अच्छा ताई जी को कहना है कहेंगे पोती की दिक्कत हीरवा मैया की हीर मैया की उरा आए बाद में दूर हुई रात साग गए आगे तो ही बांगो जो है दिल खुश है कि उरे दरबार में आगे भजन सुन ले वो इलाज करवा ले हाँ, हाँ। अच्छा और भी थाने बताऊं मैं टाइम जागरण को हो गया है और मैं तारी बात करवा सकूँ रे और भी बैठे है और भी बैठे है उरे जो है भीड़ सारी भीड़ आ रही है तो जागरण है वो शुरू हो गया तो ए वजह मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतनी ही बात करवा सकूँ अगर थे भी उरे दरबार में आना चाहो और दरबार में माँ श्रद्धा जोड़ना चाहो तो आज को आज जागरण है धाम जो है वो बनाई बस स्टैंड उस साइड 2 किलोमीटर हट गए है और थे भी उरा आओ अपनी श्रद्धा दिखाओ अगर थाने वीडियो अच्छी लगे और अगर थारा भी कोई संकट कष्ट हो तो उरा आओ धाम पर मिटाओ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो और फिर मैं कह देना चाहूँ लास्ट संदेश मेरा चैनल के माध्यम हूँ आप मारो राजस्थान टाइम्स देख रहे हो और मारो कोई पाखंड या अंधविश्वास बढ़ाने को कोई औचित्य कौन लेकिन जो भक्तों की श्रद्धा है वे सागे भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज समझौते कौन करा धन्यवाद